नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन पर जिला कांग्रेस कमेटी मंडला के प्रभारी माननीय श्री विनय सक्सेना जी का दिनांक 28 अगस्त 2021 दिन शनिवार को मंडला आगमन हुआ। यह बैठक गीता रेसिडेंसी दादी की बगिया के बाजू में रखी गई, जहाँ पर वे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी माननीय श्री सीपी मित्तल जी के आगमन पर दिनांक 2 सितंबर 2021 दिन गुरुवार को जिला मुख्यालय मंडला में आयोजित जिला कार्य समिति की प्रथम बैठक की तैयारियां सहित संगठन से जुड़े अन्य विषयों पर बैठक रखी गई एवं पदाधिकारियों व कार्यकर्ता से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में जिले के सभी 9 ब्लॉकों के कांग्रेस संगठनों के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंडला जिले के प्रभारी विनय सक्सेना, प्रदेश कांग्रेस सचिव संजय सिंह परिहार, पूर्व विधायक संजीव उइके, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राकेश तिवारी, संतोष मिश्रा, निवास नगर परिषद अध्यक्ष जयंत सिंह बरकड़े, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष रागनी परते, मंडल नगरपालिका अध्यक्ष पूर्णिमा शुक्ला, कौशल्या मरावी, शीला देवी झा, आईटी सेल व सोशल मीडिया जिला अध्यक्ष अजय सरसोरतिया, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल, सेवा दल जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र श्रीवास्तव सहित जिले के संगठनों के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की रीति नीति व संगठन के विषय में बात रखी। सभी ने इस बैठक की सराहना करते हुए कहा गया कि इस प्रकार की बैठक कर ग्राम से लेकर जिला स्तर तक होना चाहिए, ताकि ग्रामीणों क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को जागरूक कर मजबूती प्रदान करने के लिए जिले से लेकर प्रदेश स्तरीय के सभी संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। वहीं मंडला प्रभारी के मौजूदगी में नवयुक्त जिला कांग्रेस कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया, जिसमें महोगांव विकास खंड के जुझारू युवा जिला सचिव के पद से सम्मानित राधेशा मरावी, जिला महामंत्री के पद पर किशोर अग्रवाल, महोगांव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नवयुक्त अध्यक्ष पद से नफीस मलिक को व इंद्रजीत भंडारी को जिला सचिव के पद सहित जिले के समस्त नवयुक्त जिला व ब्लॉक पदाधिकारियों का सम्मानित किया गया। जिला स्तरीय बैठक में महोगांव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता, जिसमें नवयुक्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नफीस मलिक, जिला महामंत्री किशोर अग्रवाल, विधायक प्रतिनिधि राधेश शाह मरावी, विधायक प्रतिनिधि इमरान खान, मंडल अध्यक्ष हसीब खान, आईटी सेल व सोशल मीडिया जिला सचिव हीरा सिंह उइके, आरिफ खान सहित ब्लॉक कांग्रेस संगठनों के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं कहना चाहता हूँ, मैं किसी के भी घर जा सकता हूँ, मैं किसी के भी मिलने जा सकता हूँ, मैं किसी के भी बुलावे पे उसके घर चला जाऊँ। कोई भी कांग्रेस ये ना सोचे मैं किसी घर, क्योंकि जिसके घर भी जाऊंगा ये बार बता देना भाजपा का आदमी ना, और ये बार बता देना उसने कभी कांग्रेस को छीट में छुरा होगा उसके घर नहीं जाने। लेकिन जिसके भी घर जाऊंगा मैं कोशिश करूंगा कि कांग्रेस का एक एक साथी जोड़ दिया जाए, कांग्रेस का एक एक परिवार हमारे साथ पुनः निकले। और जो लोग अब घर से नहीं निकल रहे उनके साथ की बात भी मैं सुन रहा था, उनसे भी हाथ जोड़ के आग्रह, भैया कल से सड़क पे आप भी रहो। जो आदमी सड़क पे रहता है और जनता का काम करता रहता है, पार्टी चाहे उसको उस समय याद करे ना करे और नेता याद करे ना करे, ज्यादा कोई भी रहा हो, मुखिया पद में रहा हो, मैं उसका काम किया हूँ। आज यहाँ पर अगर मंच में माननीय प्रोफेसर संजीव छोटेलाल योगी जी बैठे हैं तो वो भी इस बात के गवाह हैं। ये स्थिति ऐसी भी बनी कि जब आसंदी पर बैठकर और कोई इस बात का संगठन का संचालन करने की स्थिति में नहीं था, और जब बुला करके बोला गया तो विपरीत परिस्थितियों में उस चुनौती को स्वीकार करते हुए सबकी गाली खाया, बुरा भला बना। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं हटा। लोग बड़ी बड़ी बात करते थे लेकिन मेरी सिर्फ एक सोच थी, कांग्रेस की सोच थी, मैंने उस बात का निर्वहन किया। मंचासीन आज भावी श्रीमती पूर्णिमा शुक्ला नए कार्यकारिणी में बने पूरे 167 पदाधिकारियों को अपनी तरफ से श्री कमलनाथ जी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, और आज उपस्थित सभी ब्लॉक अध्यक्षों को भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और जो नए 4 ब्लॉक बनाए गए हैं जिसमें से एक अभी घोषित नहीं हुआ उनको भी शुभकामनाएं तीनों को देता हूं। और यहां विनय सक्सेना जी से मैं एक बात करना चाहता हूं, चूंकि आप संगठन की बातों को लेकर यहां पर आए हैं,
माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर आप यहाँ पर आए हैं और उन्होंने यह आपको कहा है कि आप वहाँ जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक लीजिए, उसके बाद जो लोग असंतुष्ट हैं उनसे भी मिलिए और उन असंतुष्टों को संतुष्ट करके आगे हमें कांग्रेस के तीनों विधायक मंडला जिले में बनाने की एक रणनीति बनाना है। आगे हमें 2023 में माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इस बात और इस सोच को लेकर शुरू से हम लगातार कांग्रेस के 20 तक मैं जिला कांग्रेस युवक कांग्रेस से लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से और सचिव पद में भी लगातार कांग्रेस के लिए संघर्ष करता आया हूं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जितने यहां पर बैठे पदाधिकारी या ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे और भी पदाधिकारी हैं, शायद कहीं ना कहीं मेरे कार्यकाल में मेरे संघर्ष के समय उन लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है। उन हमारे संघर्ष के साथियों ने मिलकर उन्हें जिताया। निश्चित उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और अपनी बहराई न बताते हुए मैं जिला कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष राकेश तिवारी जी को भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बात रही संजय परिहार की कांग्रेस या राकेश तिवारी की कांग्रेस कहने वाले लोग, यही लोग दोनों राकेश तिवारी और संजय परिहार को दूर कराने वाले लोग हैं। मैं मुंह में बात करना चाहता हूँ, ऐसे कौन आदमी है जो कहता है कि संजय परिहार की कांग्रेस और राकेश तिवारी की कांग्रेस, हम दोनों आपस में भाई है। सिर्फ अंतर इतना है कि मैंने मूंछ ऊपर करके अध्यक्ष की और मेरा भाई आज जिन्होंने इसका काम करते आ रहे हैं सक्रिय है, हमेशा कांग्रेस के काम में रहा। कांग्रेस की पैदल यात्रा में 45 दिनों की पैदल यात्राएं निकली, यहाँ पर लगातार जिले में 3 बार पद यात्राएं निकली और पद यात्राओं में वो साथ में रहे। सारे जनप्रतिनिधि उनको जानते हैं लेकिन उनकी चापलूसी नहीं करते, इसलिए उनका नाम जिला अध्यक्ष को दबाव डालकर कटवाया गया। ये इस बात की मैं भर्त्सना करता हूँ और आगे मैं कांग्रेस के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और जो लोग ऐसी दूरी पैदा कराना चाहते हैं उन लोगों को भी समझाइश देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं अध्यक्ष था तो वही लोग मेरे इर्द गिर्द होते थे। जो भी अध्यक्ष होता है उसके इर्द गिर्द होते हैं, निश्चित कहीं ना कहीं वो हमारे काम के लोग हैं, हमारे साथी हैं, लेकिन उनको भी मैं सलाह देना चाहता हूँ कि दूरी पैदा न करके एकता का परिचय दें, कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। करूंगा एज ए प्रभारी रहते हुए, और अगर यहाँ प्रभारी नहीं रहा तो मंडला जी उनके साथ करूंगा। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि मंडला का कार्यकर्ता तो लड़ने तैयार था लेकिन मंडला के नेता आपस में तैयार नहीं होगा, इसलिए कमी। और वो लोग इस बात को समझ लें कि जो लोग इसके दोषी होंगे वो कौन हो सकते, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है जो मंच पे बैठे। सामने वाले तो लड़ने तैयार है डंडा लेके भाजपा से, लेकिन हम लोग अगर एक दूसरे को सिर के पीछे डंडा मारते रहे तो भाजपा से हम नहीं लड़ पाएंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और एक सूत्र हमारा है, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अगर संजय परिहार जी कहते कि मैं कमलनाथ जी का बहुत खास आदमी हूँ, मैं कुछ भी करा सकता हूँ, तो संजय परिहार की भी जिम्मेदारी और राकेश तिवारी की जिम्मेदारी है सबसे पहले सब कुछ भूल के कमलनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री बना। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये कार्यकर्ता तो आप दोनों को चाहते, दोनों आपकी आंखें। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ फास्ट आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।